मिशन जो कि एक संस्था है जो समाज सेवा मानव कल्याण जीव जंतुओं को समर्पित संस्था है, और इस संस्था का मकसद है हमारे प्लेनेट के ऊपर छोटे से छोटे कीड़े से लेके और हर इंसान की कदर करना, प्रकृति की कदर करना, पेड़ पौधों की कदर करना, जीव जंतुओं की कदर करना, उनके लिए जो हम कर सकते हैं वो करना। उत्तराखंड प्राकृतिक जो आपदा भी आई है उसके लिए आपका क्या कहना है? उत्तराखंड प्राकृतिक जो आपदा आई है उससे मेरा कहना बड़ा सिंपल है कि जो घटना घट चुकी है हम सिर्फ उसकी रिकवरी कर सकते हैं, और उसकी रिकवरी के लिए हम बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं, और बाकी लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मदद पहुँचे उसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है। जब से हमने आपदा की खबर सुनी है तब से अब तक हमने बहुत राशन इकट्ठा किया है, बहुत सामान इकट्ठा किया है, वहाँ के लोगों के लिए कपड़े इकट्ठे किए हैं, हमने जूते इकट्ठे किए हैं, वहाँ के लोगों के लिए हमने ब्रेड, आटा, चीनी, चावल, मैगी, बहुत सारा राशन इकट्ठा किया है। लगभग 600-700 किलो के करीब हमारे आटे के पैकेट जाएंगे, 5-5 किलो के ब्रेड के पैकेट जाएंगे, बिस्कुट्स के पैकेट जाएंगे, बहुत सारा राशन हमने इकट्ठा किया है। और मैंने नहीं किया इकट्ठा टू बी वेरी फ्रेंड, हमारी संस्था के साथ जुड़े जो लोग हैं वो काफ़ी आध्यात्मिक लोग हैं जो कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पूरे भारत से और इवन कैनेडा से आपके लोग जुड़े हुए हैं, नेपाल से लोग जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने दिल खोल के एक बार जैसे ही हमने कहा कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, दिल खोल के डोनेशन दी है, और जो आ सकते जिन लोगों ने वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर भी अपने नाम रिकमेंड किए हम आना चाहते हैं, जो लोग नहीं आ सकते थे उन्होंने हमारी कंपनी के अकाउंट को एनजीओ के अकाउंट में पैसा डाला है, जिससे कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है। और मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और हमारा एक ट्रक आज रात को यहाँ से निकल रहा है, उत्तराखंड के लिए रवाना हो रहा है, और हम 3 ट्रक भेजने की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। और मैं देश को और समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम अखंड भारत में रहते हैं, हमें अपनी अखंडता शो करनी चाहिए। जब भी कोई मुसीबत आए, कुछ भी आए, तो हम सबको एक होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तराखंड वासियों पर जो भी आपदा आई है उसकी हेल्प के लिए आगे आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो घर पर बैठ के आप उनके अच्छा होने के लिए प्रार्थना करें, और जो कुछ आप कर सकते हो फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, वो जाके आप उनके लिए कीजिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदन निगम है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। चंदन जी, जो आज उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब जो लोगों पर आपदा आई है उनकी हेल्प के लिए लोगों को ज़्यादा आगे आना चाहिए, और जैसे कि हम अपना जत्था लेके जा रहे हैं, राशन पानी सब चीज़, ये छोटा मोटा जो हमसे बन सकता है वो हम लेके जा रहे हैं, और लोगों से भी आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी हेल्प के लिए आए। किस कहाँ से आपका जाएगा और कहाँ तक जाएगा ये? पुलवामा से चल के जी अगर चमोली तक जा सकता है तो वेल गुड, नहीं तो हम जोशी मठ को जाएंगे। कब जाएगा सर ये? आज रात को निकलना है जी, आज रात को या मतलब जत्था शुरू हो जाएगा। कितना राशन यहाँ से जाएगा? राशन है जी एक ट्रक तो कम से कम। कौन कौन लोग आपसे जुड़े हुए इसमें अभी तक? मेरी संस्था के बहुत सारे लोग हैं, मेरे गुरु जी जो हैं मिस्टर आकाश महान, तो उनके नेतृत्व में ये जत्था शुरू हो रहा है। ये एक फाउंडेशन है, यूनिवर्स सेवर फाउंडेशन, जो कि ये जीव जंतु और मानव कल्याण के लिए समर्पित है, और मेरा जीवन भी उसी के लिए समर्पित है। तो इसमें से गवर्नमेंट हेल्प आपसे कोई मिली अभी तक? गवर्नमेंट हेल्प देखो, गवर्नमेंट तक अगर ये बात जाएगी तो जरूर हेल्प करेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल कह नहीं सकता मैं कुछ। गुड़गांव से कितने लोगों ने आपको हेल्प की अभी तक? जो हमारे फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर आकाश चावला जी, वो एक अच्छे ट्रेनर है, और उन्होंने लोगों को एक दबाव डाल के मेंटली हेल्थ दी है, और बहुत अच्छी प्योरिटी पे उनको क्लासेस देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं, और इस सिस्टम से पता नहीं बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस के जरिए जुड़े हुए हैं, और उन लोगों ने बहुत ही दिल खोल के दान दिया। ये जो दान है वो हम लोग उस उन बंदों के लिए भी समर्पित करने का है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।